मैं आ गया हूँ सिटी पैलेस। सिटी पैलेस कुछ ऐसा दिखता है। बग्गी राइड भी मिलती है आपको यहाँ पे, अगर इस पे आप राइड करना चाहते हो बग्गी पे, तो उसका फेयर रहता है, ये लिखा हुआ है सामने 500 पर पर्सन राइड, एंड इफ़ यू आर अ फैमिली ऑफ टू अडल्ट एंड टू चाइल्ड देन इट कॉस्ट यू 1000 एक्स्ट्रा मेंबर, देन यू कैन एड ऑन 250। तो यहाँ पे ये बग्गी है और आपको उसमें राइड मिलती है। तो ये पूरा सिटी पैलेस में भी आपको घुमा सकते हैं, ऐसा है सिटी पैलेस का नज़ारा बाहर से। सिटी पैलेस के अंदर का नज़ारा, अभी अंदर मैं नहीं गया हूँ, अंदर जाऊँगा। तो ये यहाँ से मेन एंट्री गेट से कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर क्लॉक भी आप देख सकते हो, टाइम हो गया है अभी 12:15 इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग, और उधर शहनाई बज रही है। यस, वो भी आपको सुनाऊँगा थोड़ी ही देर में जब उधर जाऊँगा। प्रीतम निवास है उस साइड, और रेस्टोरेंट एंड बार है अगर आपने कुछ खाना है। तो ये है मेन एंट्रेंस ऑफ सिटी पैलेस, विच आई विल फाइंड इट आउट अंदर जाके कि क्या है वहाँ पे। आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स अलाउड और नॉट टू मेक वीडियोज़ एंड ऑल, बट विल सी। बट सभी लोग बना रहे हैं, सो वाई नॉट कि मैं भी बनाऊँ। ये देखिए कितना बड़ा ये है जार, सॉरी, लोग फोटोज ले रहे हैं इसके साथ। माय गॉड, इट्स अ ह्यूज गाइस, लुक एट इट, माय गॉडनेस, बहुत बड़ा है। फोटोज भी ले सकते हो इसके साथ, आप वीडियोस बना सकते हो। ये दूसरी साइड पे भी है। अंदर चलते हैं, शहनाई सुनवाते हैं आपको। ऊपर है एक्चुअली वो। ऐसा मिरर है। आप देख सकते हो पुरानी पिक्चर्स राजा महाराजाओं की। और ये आ गए हम ओपन एरिया में, यहाँ पे आपको पूरा व्यू दिखता है सिटी पैलेस का। वो साइड बंद किया हुआ है शायद, तो आप फोटो वगैरह ले सकते हो। और तो इधर कुछ भी नहीं है, ओपन एरिया है खाली। Yeah.
पीगन बहुत टाइम के बाद देखे मैंने, आप भी देखिए। ये है आपका सिटी पैलेस, वाव अमेजिंग व्यू। हाय गाइस, सिटी पैलेस, हवा महल एंड जंतर मंतर मैंने घूम लिया है। अभी मैं जा रहा हूँ जल महल देखने, उसके बाद अमेर फोर्ट भी देखना है मुझको। तो बाइक मैंने रेंट पे ले ली यहाँ पे, तो खुद घूम रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और आपको डिपॉजिट उनको मनी पे करनी होती है, जो 8 और 10 रुपये एक घंटा के वो लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने 3 जगह घूम लिया है 2 घंटे में। और ये है मेरी बाइक, एज यू कैन सी, ये मेरे को उन्होंने बाइक दी है। तो इस पर अभी मैं जाऊंगा टू माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो मिलते हैं जाके हवा महल में। बाय बाय। जल महल आप देख रहे हो मेरे बिल्कुल पीछे। ये साइन बोर्ड है, इसको प्लीज़ फॉलो करें। जो जो भी
इसके ऊपर लिखा हुआ है उसको फॉलो करें ज़रूर, बिकॉज आपको फ़ाइन होगा अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो. सो यहाँ इस साइड पे आपको मार्केट मिलेगी जहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो अगर आपने कुछ ख़रीदना है जहाँ से लो, तो मेक श्योर आपके पास पानी की बॉटल ज़रूर हो. जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, अभी मिड फेब है तो फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, सो मेक श्योर आपके पास पानी की बॉटल हो और आप इधर से कुछ भी खरीद सकते हो. रोड के साइड में आपको खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, सो यू डोंट नीड टू कैरी एनीथिंग, आपको सब कुछ वहाँ से ही मिल जाएगा अगर आप यहाँ से लेना चाहते हो तो. सो अगर आप लोकल ड्रेस में फ़ोटो वगैरह लेना चाहते हो तो उसके भी चार्जेस हैं, 50 हैं, 100 हैं, डिपेंड करता है फुल ड्रेस है. अगर आप पगड़ी बनवाना चाहते हो तो ऐसा रहता है. सो ये था मेरा हवा महल का ट्रिप, उसके बाद ही हो गया मेरा जल महल. अभी मेरे को एक और जगह जाना है, वो है अंबर फोर्ट, वो इसके बाजू में, लेकिन ये काफ़ी दूर है. तो मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने बाइक रेंट पे ली हुई थी तो उसके साथ मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, लेकिन अगर तुम ऑटो से आते हो तो आई डोंट नो हाउ मच दे विल चार्ज यू. वो मेरे को फोर्ट दिख रहा है ऊपर, नाहरगढ़ फोर्ट होगा मे बी, वो तो वो भी मैं विज़िट करूँगा जल्दी ही. उसके बाद फिर मेरा ट्रिप ख़त्म हो जाएगा जयपुर का एंड मैं दोबारा दिल्ली चला जाऊँगा कल. तो ये रहा आज का मेरा ट्रिप जल महल. सो अगर आप भी आएँ जहाँ पे तो ज़रूर विज़िट करें जयपुर में, अगर आएँ तो जल महल बहुत अच्छा है, पानी के बीचों बीच बना हुआ है एंड यू विल लव इट.